वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट. आज हम वो जो लास्ट के जो दो चैप्टर रह गए हैं मैग्नेट के, जिनको हम डिस्कस करेंगे बेटा. ठीक है मेरे बच्चे, तो सबसे पहले जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है बेटा, तो हम बात करते हैं सारे बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल. सबसे पहले मैं इसमें जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन है बेटा, यहां पे ध्यान देना कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स ऑफ माइल्टस. इन्होंने डिस्कवरी की एक मटेरियल की जिसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया. मैग्नेटाइट जिसको ऑब्टेन किया गया, फाउंड किया गया, फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट मैग्नीशिया, एशिया माइनर ऑफ ग्रीक. क्योंकि मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट में इसको फाउंड किया गया, तो ये मैग्नेटाइट इसी के नाम पे पड़ा है. और इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है टू अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन. आयरन के छोटे छोटे पीसेस को ये अपनी तरफ क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है. ठीक है मेरे बच्चे, जनरली इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4. ये नेचुरली अकरिंग आयरन ओर, आयरन ओर. समझ में आ गया क्या प्रॉपर्टी है? मैंने आपको बताया कि स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है. जनरली मेरे बच्चे दो तरीके के मैग्नेट होते हैं, इसका बाद में इसका नाम मैग्नेट पड़ा, समझ लीजिए बहुत आसान सा है बेटा. कि जो मैग्नेट है Fe3O4, इसको कैटेगराइज किया गया है दो में, एक तो नेचुरल मैग्नेट ठीक है बेटा, और दूसरा हमारा है आर्टिफिशियल मैग्नेट. ठीक है बेटा, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इट इज फाउंड इन नेचर. ठीक है, पहली बात इसका जो साइज होगा इरेगुलर होगा. ठीक है, सेकेंड वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. स्ट्रेंथ क्या होती है इनकी बेटा, कम होती है. इसीलिए हम कहते हैं कि इनका यूज प्रैक्टिकल पर्पज के लिए नहीं करते, इट इज नॉट यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पज. प्रैक्टिकल पर्पज, तो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए नेचुरल मैग्नेट का हम इस्तेमाल नहीं करते. अब बात करते हैं आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल जो होते हैं दैट इज मैन मेड.
ये डिस्कस करेंगे हम जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा डिजाइन किया जाता है, इनमें खास क्वालिटी होती है क्या? रेगुलर साइज शेप होता है, रेगुलर साइज शेप, ठीक है मेरे बच्चे। दूसरा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो बार मैग्नेट, एक आयरन बार होता है, मैग्नेट में हमेशा दो पोल होंगे, साउथ और नॉर्थ। क्या होते हैं पोल, मैं डिस्कस करूंगा। सेकेंड, मैग्नेटिक नेटल, आपने सभी ने देखा होगा कंपास नेटल की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज साउथ दिस इज नॉर्थ, ठीक है बेटा। एक सोलेनॉइड, आपको याद होगा एक करंट कैरिंग कॉइल है ना, डिस्कस किया था, करंट डाल दें लाइक दिस, ये हमारा सोलेनॉइड, ये भी हमारा एक्ट करता है, मान लीजिए साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल है, तो ये भी हमारा एक्ट करता है एज अ मैग्नेट। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि इन फैक्ट मैग्नेट साइंटिफिक ने इसका क्या क्या बात करते हैं, मैंने बताया था मैग्नेटाइट, और जिसे हमने बात की थी नेचुरली अकरिंग आयरन पोल, इसीलिए आयरन की पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करता है मेरे बच्चे, अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, शो ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक विजिबिलिटी है, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, अब हम कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, पहली हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। इसमें पहला हमारा है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि अगर मैं एक मैग्नेट को, मान लो ये मैग्नेट है, इसको आयरन फिलिंग में डाल दें, मैग्नेट को हमने कहां डाल दिया, आयरन फिलिंग, ठीक है, जो लोहे के बारीक पार्टिकल होते हैं, तो अगर हम उसके अंदर डिप कर दें तो हम देखते हैं कि जो आयरन फिलिंग है सबसे ज्यादा गैदरिंग होती है एंड के ऊपर, आर यू गेटिंग नॉट। लेकिन अगर हम बीच में देखें तो बीच में गैदरिंग नहीं होती, यहां पे पार्टिकल्स नहीं होते, तो हम कहते हैं इसे न्यूट्रल मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे मेरे बच्चे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां भी हमारी क्या है, दैट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इस मैग्नेट के एंड हैं इन्हें हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज पोल, क्या कहते हैं मेरे बच्चे, पोल, ठीक है। इसमें बात समझ में आ गई, दिस इज पोल। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दिस इज न्यूट्रल मैग्नेटिक फील्ड रीजन। पोल जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज स्मॉल एम। तो स्मॉल एम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, ऑफ मैग्नेट। एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि एक धागे से किसी भी मैग्नेट को या मैग्नेटिक रीजन को हम
लटका दे और छोड़ दे फ्री, देन इट विल ऑलवेज स्टे अलोंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इसी से रिलेटेड कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टे किधर बेटा, अलोंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ऐसा क्यों मेरे बच्चे, क्यों? बिकॉज जो अर्थ हमारी है ऑल्सो वी हैव एज मैग्नेट, जो अर्थ हमारी है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, अगर मान लो इसको फ्रीली सस्पेंड कर दे धागे से, तो जो एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा, किधर है हमारा ज्योग्राफिकल, अर्थ की बात कर रहा हूं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, उसे नॉर्थ पोल, और जो एंड ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होगा हम उसे क्या कहेंगे, साउथ पोल। तो याद रखना साउथ पोल की पोलरिटी हम माइनस लेते हैं और नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो प्लस लेते हैं। तो अगर हम यहां पे मैग्नेट की बात करें तो आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझा दें, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज माइनस एम पोल स्ट्रेंथ, दिस इज प्लस एम, और ये हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज बार मैग्नेट। बहुत ही एक रफ इंट्रोडक्शन है, बहुत आसान सा है, सब चीज आपने नाइन्थ में टेंथ में पढ़ रखी होगी, तो यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। जो हमने प्रॉपर्टीज की बात की, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टे अलोंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, और एक हमने इसकी बात की पोल क्या है, पोल स्ट्रेंथ क्या है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है मेरे बच्चे, हम इसको रफ कर देते हैं। देखिए मेरे बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं, जरा समझना मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की। तो जैसे मैं कहता हूं कि मान लो मेरे बच्चे एक मैग्नेट है, इसको समझ लेना, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ, दिस इज माइनस एम, दिस इज प्लस एम, पोल स्ट्रेंथ सेम है मैग्नेट की। तो इसमें एक चीज ध्यान देना, मान लो ये ए बी ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ए बी हमारी क्या है, ज्योमेट्रिकल लेंथ, और जहां पोल बनते हैं वो लिटिल बिट इनवर्ड बनते हैं एंड से थोड़ा सा अंदर, ये लेंथ हमने 2L मानी। तो SN जो हमारा है ये मैग्नेटिक लेंथ है, दिस इज व्हाट मेरे बच्चे, मैग्नेटिक लेंथ। तो देखने से लग रहा है कि जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो क्या है मेरे बच्चे, मैग्नेटिक लेंथ से ज्यादा है। कितना डिफरेंस, एक रिलेशन होता है ए बी 7/6 इंटू एनएस कहो या एसएन कहो, एक ही बात, मींस ज्योमेट्रिकल लेंथ हमेशा मैग्नेटिक लेंथ से क्या होगी, ज्यादा होगी, एक प्रॉपर्टी। क्या बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, हम कहते हैं कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल पोल। इसका मतलब पहले बता दो, सिंगल पोल का मतलब, जिसे याद होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में प्लस क्यू इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता था,
माइनस क्यू इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता था, लेकिन नॉर्थ या साउथ पोल इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तभी मैंने कहा देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल पोल, मींस नॉर्थ या साउथ इंडिविजुअली डज नॉट एग्जिस्ट। और इसीलिए हम कहते हैं, ध्यान देना, ये मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, आपको समझा देता हूं कि phi इंटीग्रल बी डॉट ds अगर आपने लिख दिया तो ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। आपको याद होगा मैंने dl लिया था लाइन इंटीग्रल, ये है हमारा सरफेस इंटीग्रल, इसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे एक और नाम देते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। समझ गए, आपको याद होगा मेरे बच्चे हमने लिया था फाई इंटीग्रल ई डॉट ds, याद है, नहीं, ये क्या था हमारा सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज नॉट जीरो, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, याद है। और इसका मतलब होता है सिंगल पोल, इस केस में सिंगल पोल कैन बी एग्जिस्ट किसके लिए, प्लस क्यू या माइनस, मींस इंडिविजिबल पोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए गॉस लॉ ये है, लेकिन मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, चाहे नॉर्थ की बात करें या साउथ की बात करें। इसका मतलब क्या है मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लो एक मैग्नेट है मेरे बच्चे, दिस इज साउथ दिस इज नॉर्थ, और हमने इसको कट कर दिया, तो क्या होगा मेरे बच्चे, अगर हम जैसे ही कट करेंगे इसको, ये साउथ था, ये अपोजिट पोल क्रिएट कर लेंगे, गेटिंग मी नॉट, दिस इज साउथ दिस इज नॉर्थ, मींस एक्ट करेंगे एज अ मैग्नेट की तरह, क्योंकि दोनों पोल इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ध्यान देना इसको चाहे कितनी बार तोड़ो आप, अगर आप फर्दर और हम ब्रेक कर दें तो फिर वही कंडीशन आएगी कि दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। मीन्स आप मैग्नेट को स्प्लिट तो कर सकते हैं, लेकिन जो उसका एक पार्ट होगा जो स्प्लिट किया हुआ, वो भी एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ नो एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल पोल। इवन इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा सर्कुलर पाथ में मूव करता है, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर मान लो ये हम सर्कुलर पाथ की बात करें तो क्या होगा, मान लो करंट का डायरेक्शन ये डालेंगे तो साउथ, और अगर उधर से देखेंगे तो इधर करंट का डायरेक्शन होगा तो नॉर्थ। मीन्स एक करंट कैरिंग लूप भी जो हमारा होगा वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, कंप्लीट मैग्नेट की बात करूंगा। मींस सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वेदर इट इज अ नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल। ये भी प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको डिस्कस की। अगली प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं। देखिए मेरे बच्चे, इंडक्शन प्रॉपर्टी, क्या बात की मैंने, इंडक्टिव प्रॉपर्टी, क्या चीज होती है ये बहुत आसान है, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए अगर हम किसी भी मैग्नेट के पास एक आयरन बार लाएं, ये क्या है मेरे बच्चे, मैग्नेट, तो इसकी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में इंड्यूस हो जाएंगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पता होगा कैसे, आपको याद होगा कि जैसे हमने कहा अर्थ है, समझते होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर हम एक अर्थ के अंदर डिप कर दें आयरन बार,
अंदर खड्डा खोल के डाल दिया आयरन बार को कुछ समय के लिए। तो अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, बताया था मैंने। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसमें इंड्यूस होगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें क्या होंगी बेटा, इंड्यूस्ड हो जाएंगी। और अब हम इस आयरन बार को अगर निकालते हैं, ये एक्ट करेगा एज अ मैग्नेट। बात समझ में आ गई, क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी इस आयरन बार के अंदर क्या हो गई, इंड्यूस्ड हो गई। ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए मेरे बच्चे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें और बताता हूं मैं। कहते जो रिपल्सन है नॉट अट्रैक्शन, ये प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे कि रिपल्सन रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन ऐसा क्यों मेरे बच्चे, व्हाई नॉट अट्रैक्शन, व्हाई इट इज रिपल्सन। इसे ध्यान देना कि मान लो ये आयरन बार है और हमने एक मैग्नेट दे दिया, तो इसमें तो फोर्स होंगे नहीं। तो चाहे हम इस एंड को, चाहे हम बी को ले जाएं, तो भी अट्रैक्शन होगा। और अगर हम ए को इस एंड के पास ले जाएं, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। लेकिन मेरे बच्चे, अगर हम एक दूसरा मैग्नेट लें, अगर हम एक दूसरा मैग्नेट लें तो क्या होगा, अगर नॉर्थ को ले जाएंगे तो नॉर्थ साउथ के बीच तो क्या होगा, अट्रैक्शन। लेकिन साउथ और साउथ के बीच अगर ये वाला एंड यहां ले जाते हैं तो क्या होगा, रिपल्सन। तो सिर्फ रिपल्सन आइडेंटिफाई करेगा कि वेदर इट इज अ क्या है, आयरन बार और इट इज अ मैग्नेट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। यहां पे कोई भी एंड ले जाओगे तो सिर्फ अट्रैक्शन होगा, यहां भी ले जाओगे दोनों एंड को तो क्या होगा, अट्रैक्शन। लेकिन नॉर्थ नॉर्थ के बीच क्या होगा, रिपल्सन। साउथ नॉर्थ के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। एक चीज और निकल गई कि लाइक पोल, लाइक पोल का मतलब होता है साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ रिपल्स, व्हाइल व्हाइल व्हाट, व्हाइल साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ मींस अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे? तो लाइक पोल्स रिपेल्स व्हाइल अनलाइक पोल, अनलाइक पोल क्या करते हैं, क्या ये बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने पहले ही कहा था ये बेसिक इंट्रोडक्शन, इसको रफ कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए मेरे बच्चे, यहां पे मैं डिस्कस करता हूं। जैसे आपको याद होगा कूलम्स लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की थी, ऐसे ही हमारा है कूलम्स लाइन मैग्नेटिज्म। ध्यान दीजिए क्या है, देखिए बेटा कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था मैंने कि लाइक पोल रिपल्स व्हाइल अनलाइक अट्रैक्ट। ध्यान देना, अगर मैं दो मैग्नेट ले लूं, आगे मैग्नेट है पूरा, ध्यान देना, दिस इज साउथ दिस इज नॉर्थ, तो दिस इज माइनस एम वन एंड दिस इज प्लस एम टू। क्योंकि पोल स्ट्रेंथ अलग अलग क्यों है, क्योंकि बेटा दोनों मैग्नेट है हमारे, मान लो ये सिचुएटेड है आर डिस्टेंस पे, ठीक है बेटा।
तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो म्यू नॉट बाई 4 पाई और एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। मीन्स अगर हम देखें मेरे बच्चे तो जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन इनके बीच, क्योंकि अनलाइक फोर्सेस हैं, वो डायरेक्टली क्या है 1/r2। मीन्स ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। इट फॉलोस इनवर्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई बेटा? एक चीज ध्यान देना, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैं आपसे पूछूंगा। अब देखिए इसी में कुछ नोट डालते हैं। जैसे मान लो ये पोल की बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट मैग्नेट होगा, मैंने पहले कहा था सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो ये साउथ है, अब देखिए इसके कारण हमें आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ में अंदर की तरफ होगा और वो डायरेक्शन क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में के क्यू बाई आर स्क्वायर था ना बेटा, तो के की जगह क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू की जगह एम है, एम बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर यही नॉर्थ पोल के कारण फील्ड होती आर डिस्टेंस पे ही मेरे बच्चे, तो डायरेक्शन सिर्फ चेंज होता बट बी की वैल्यू क्या होती, म्यू नॉट बाई 4 पाई और एम अपॉन आर स्क्वायर। तो वैल्यू हमारी सेम है मैग्नीट्यूड की, लेकिन डायरेक्शन मेरे बच्चे क्या है, इसका इधर है और इसका हमारा इधर। क्या ये बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बेटा, तो अब मैं जो डिस्कस करता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बार आपको याद होगा जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में गए थे तो आपको मैंने एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी, तो यहां भी मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो हम बात करते हैं कि जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट वो एक्ट करता है एज मैग्नेटिक डाइपोल। तो बार मैग्नेट एज अ मैग्नेटिक क्या होता है, देखिए हमने एक बार मैग्नेट लिया, दिस इज साउथ नॉर्थ, तो जो लेंथ हमने मानी दैट इज 12, स्मॉल एल लेंथ, क्योंकि मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट सेम चैप्टर है। तो यहां पे इसका पोल डिस्टेंस माइनस एम, इसका प्लस एम, तो उसमें माइनस क्यू प्लस क्यू था, यहां पे माइनस एम प्लस एम है, तो ये एक्ट करेगा बार मैग्नेट, और इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा मैग्नेटिक वो साउथ से नॉर्थ होगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जो वेक्टर क्वांटिटी है मेरे बच्चे, साउथ से एम की तरफ डायरेक्शन होगा, साउथ से नॉर्थ ऑलवेज, वो एम किसके बराबर होगा, दोनों में से एक पोल की स्ट्रेंथ और बीच की डिस्टेंस, एम क्या है इसका डायरेक्शन, ट्वाइस जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया वो ट्वाइस एम एल एन। ठीक है मेरे बच्चे, अब जरा इसको मैं इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ अच्छी तरीके से कि मोस्टली बच्चे इसकी यूनिट वगैरह बेटा पूछी जाती है, समझिए। मान लो एक मैग्नेट है, साउथ नॉर्थ माइनस एम प्लस एम, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो ये आया, कितना था एम, ट्वाइस एम एल, याद रहेगा मेरे बच्चे। अगर इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों पोल पे एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन जो नॉर्थ पोल है इस पे फोर्स इधर आएगा और साउथ पे फील्ड के अगेंस्ट, और ये होगा एम डी। तो एम एफ अपॉन बी, तो यूनिट क्या होगी, चाहे न्यूटन पर टेस्ला की बात करें या आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करो,
एफ बाई बी, याद होगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स क्या होता है, एफ बराबर आई बी एल होता है साइन थीटा, इसका डायमेंशन तो होना नहीं, तो ये हम रख सकते हैं ना एफ की जगह आई बी एल बाई बी, ये की डायमेंशन कट जाएगी, तो यूनिट क्या हुई इसकी, एम्पियर और इनटू मीटर। एम्पियर मीटर किसकी हुई, दिस इज व्हाट पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है, एम्पियर इनटू मीटर, ध्यान देना क्योंकि आपसे पूछा जाता है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या हुई, सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा मेरे बच्चे, आपने पहले ही कहा एम ट्वाइस एम एल, इसकी तो है नहीं, तो इसकी एम्पियर इनटू मीटर तो इसकी हो गई, और इनटू मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हुई, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हमारी क्या हुई, दैट इज एम्पियर इनटू मीटर, ठीक है बेटा। तो आज ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन का हमने लेक्चर पढ़ाया है जिसमें हमने डिस्कस किया है, तो ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है, बाकी जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है मेरे बच्चे, ये बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो गए, ये चार या पाँच लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक बार हम सिलेबस कराना जरूरी है, फिर हम आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, तो आज इस लेक्चर में इतना ही रखें, ठीक है मेरे बच्चे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में खराब।